तो राज चल रहा है गाइस, किसका? साउथ इंडियन फिल्मों का, बॉलीवुड का तड़का लगा के। तो जब राज चलने की बात हो तो भाऊ का राज ना चले, ऐसा हो सकता है? पुष्पा भाऊ। हाँ गाइस, तो दिवाली आने वाली है, हैप्पी दिवाली गाइस। और दिवाली आने वाली है तो आपको भी पता है कि पुष्पा भाऊ वापस आ रहे हैं राज करने, पुष्पा दी राज। तो गाइस, वेल, मेरा नाम है मैंडी और आप सब देख रहे हैं मैंडी ब्लॉग्स एंटरटेनमेंट, जहां पर आप सबको देखने को मिलते हैं ब्लॉग्स और उसके अलावा रिव्यूज मूवीज के, सीरीज के, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की जितनी भी सीरीज आती है वहां के। तो हम बात कर रहे हैं पुष्पा मूवी की। गाइस, आपको पता है गाइस, ये पहली मूवी बन गई है जो हजार, सॉरी गाइस, पुष्पा टू रिलीज होने से पहले गाइस 1,000 करोड़ के क्लब में पहुंचने वाली पहली मूवी है। हालांकि 4-5 मूवियां और है, लेकिन ये फर्स्ट मूवी है गाइस। पुष्पा टू का जो बजट है ना गाइस 500 करोड़ का है और इसकी राइट्स 600 करोड़ के ऑलरेडी बिक चुके हैं गाइस। तो मतलब 500 करोड़ का बजट है मूवी का, 600 करोड़ के तो राइट्स बिक गए। उसके अलावा गाइस नेटफ्लिक्स, ठीक है गाइस, म्यूजिक वीडियोस, बाकी जितने भी ओटीटी के प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने भी इसके राइट्स ले लिए हैं 25-200 ऐसे कर करके। तो गाइस 1,000 करोड़ के राइट्स तो ऐसे ही बुक है मूवी रिलीज होने से पहले। और सीधी सी बात है गाइस, अभी तो थिएटर में मूवी आई भी नहीं है और जब ये मूवी आ जाएगी तो 1,000 करोड़ तो क्रॉस कर ही जाएगी, सीधी सी बात है यार भाई, मजा आ गया। और एक और न्यूज आपको बताते हैं रिलीज के लिए गाइस, मूवी शायद 6 को रिलीज ना होके 5 को रिलीज होगी, तो हमें भी इंतजार करने की जो घड़ी है एक दिन पहले कम हो जाएगी और मजा आ जाएगा देख के पुष्पा भाव को। पता है गाइस आपको मैं चुप क्यों करा रहा हूँ? क्योंकि स्त्री को देखकर आप और मैं भी इस तरह से डर गए थे। तो अगर ऐसा हो कि स्त्री पुष्पा में आ जाए तो कैसा रहेगा गाइस? भाव पे भारी पड़ जाएगी क्या स्त्री? नहीं गाइस, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, सूत्रों के मुताबिक ये खबर आ रही है कि श्रद्धा कपूर हो सकती हैं भाव के साथ एक सॉन्ग में, यानी पुष्पा भाव के साथ एक सॉन्ग हो सकता है। लास्ट ईयर पुष्पा वन में जो होती है समंता थी, इस बार श्रद्धा, तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। हालांकि मूवी थोड़ी हाइप कर जाएगी और अच्छा बॉलीवुड का तड़का जब लग जाएगा इसमें तो। ये थी न्यूज़ गाइस पुष्पा की, और जैसे ही आएगी हम और आप देखेंगे और बढ़िया से एंजॉय करेंगे। तो दूसरी न्यूज ये आ रही है गाइस कि मुन्ना भाई MBBS का तीसरा पार्ट बन सकता है, सर्किट भाई मुन्ना भाई। तो हाँ गाइस, राजकुमार हिरानी सोच रहे हैं तीसरा पार्ट बनाने की और कास्टिंग भी वही रहने वाली है, तो मजा आ जाएगा अगर तीसरा पार्ट भी बन जाता है। काफी टाइम से पुरानी मूवीज का जो क्रेज है ना, वो बड़ा मजा आ रहा है, जैसे कि धूम आ रही है, अलग अलग जिनके सीक्वल्स आ रहे हैं, 3 3 3 आ गई, तो ऐसे ही सीक्वल्स आएंगे तो भाई मजा आ जाएगा ना देखने में। और मुन्ना भाई की तो भाई हम सब फैन है भाई, एम बोले तो मुन्ना भाई MBBS। हाँ तो गाइस, हमने MBBS नहीं किया, हम फार्मासिस्ट हैं। तो तीसरी न्यूज गाइस ये आ रही है कि गुड्डू पंडित मुन्ना भाई MBBS तो आ रहे हैं। ये उन्ना भाई आ तो रहे हैं, वो कब आएंगे राजकुमार हिरानी पर डिपेंड करेगा, लेकिन अभी जो आ रहे हैं वो मुन्ना भाई आ रहे हैं 2025 में वापस मिर्जापुर के अंदर, बकाल मचाने। तो हाँ गाइस, थिएटर के अंदर ये मूवी रिलीज होगी 2025 में और इसमें कमबैक होगा मुन्ना भैया का, और भी जो कुछ कास्टिंग है वो भी वापस आ सकती है, जैसे कि अभिषेक बनर्जी आ सकते हैं शायद, पता नहीं कैसे लाया जाएगा उनको, बट कोशिश कर रहे हैं लाने की। और चौथी न्यूज गाइस ये है, सिंघम के बारे में मैंने आपको वीडियो बनाई थी तो आपने देखा होगा कि हम बात कर रहे थे सलमान भाई का। तो न्यूज में एक में देखा मैंने कि वहां पर दिखाया गया कि अभी जो एक नेता है वहां के, मुंबई के, नाम नहीं लूंगा मैं, उनकी डेथ हुई थी, तो लग रहा था कि सलमान भाई, सबकी जान सलमान भाई, सिंघम में ना आए, लेकिन 22 अक्टूबर को ऑलरेडी शूटिंग कर चुके हैं, तो ये तो तय हो चुका है कि दबंग भैया आ रहे हैं सिंघम के अंदर। तो आप और हम जब मूवी देखें तो पोस्ट क्रेडिट सीन में रुक जाए, क्योंकि लास्ट में
दबंग भैया की एंट्री हो सकती है, तो जल्दी से जल्दी मूवी में देख के, ऐसा ना कि मूवी चल रही है, मूवी खत्म और उठ के चल दिए, ठीक है भाई रणवीर सिंह देखना है आपको, मानते हैं अजय देवगन देखना है, मानते हैं आप फैन होंगे सबके, लेकिन भाई सलमान भाई उनकी भी तो फैन है ना भाई, वो तो जान है ना बॉलीवुड की, तो भाई उनका वेट करना पड़ेगा ना, तो मूवी जब एंड हो तो पोस्ट क्रेडिट सीन में उनका सीन आ सकता है शायद। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया।